أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज की छठवीं नशिस्त है, छठवां इजलास और आज के अनुमान में है पांच अनासर के तायुना पंचतन मात्रे संस्कृत में। तो ये ज्यादा याद करने के छह बहुत इसमें ज्यादातर, और जो भी इसका डिफिनेशन है वो सुनाएंगे, आप याद कर लें। पांच अनासर के तायुना, तायुन बोले तो मकरर कर देना किसी चीज को, उसको है ना डिजाइन करना, तायुन करना। पंच तन मात्रे, इसको संस्कृत में पंच जो है तन मात्रे, मात्रे मात्रा जैसे मात्रा होती गोली के बाद मात्रा, तो एक मेदार इसको पंच तन मात्रे। फखराहिन अनासिर के तायुनात को मात्रे कहते हैं। अनासिर क्या है? अनासिर बोले तो आग हवा मिट्टी पानी खला, ये अनासिर है। तो इसके तायुनात कैसा तायुन था तो उसको मात्रे मात्रे कहते हैं। वो ये है आवास एहसास रंग सयाली भूख। ये उर्दू या अरबी या इस्लामी जो है ना इस्तेलाह है, और संस्कृत में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये पहले स्कूलों में भी याद दिलाते थे, अभी ये निजाम नहीं रहा। पहले जो है आवाज एहसास रंग सयाली भू, और ऐसा ही लाम साहब आसरा जायका शामा, तो ये भी जो है जुबानी याद दिलाते थे पहले बच्चों को। तो बहरहाल ये जो है आवाज एहसास रंग सयाली भू। आवाज आसमान में है, पहले बताए हैं आवाज है आसमान में है। एहसास हवा में है, रंग आग में है, सयाली पानी में है, जमीन में है। ये इसके गुण हैं, उससे जो है नुमाया नजर आने वाले आवाज जो है ना, वो जो आवाजें हैं वो आसमान में। और एहसास बोले तो हवा, हवा जो लगती है ना उसका खास गुण क्या है बोले तो एहसास से पहचानी जाती है। एहसास बोले तो मस मस होना, छीना उसको बोलते। रंग आग जो है दूर से तो रंग से पहचानी जाती है। आग में दिखने वाली चीज क्या है बोले तो रंग है। सयाली पानी में क्या है? दौड़ने वाली चीज है। सयाली बोले तो सैलना, सैला बोलते ना, तो सैलना जो है दौड़ने से बहने से सयाली। बू बोले तो गंध, जो वो है ना मिट्टी में। तो खला सिर्फ आवाज का हमें है, खला में सिर्फ आवाज है, हवा में आवाज है एहसास है। जैसे नीचे उतर रहे उसमें एक एक चीज ऐड होते जाते बढ़ते जाते। खला में सिर्फ आवाज है, हवा में आवाज है एहसास है, आग में आवाज है एहसास है रंग है। आग को देखते तो उसका रंग नजर आता और गर्मी मारती जिस्म को, एहसास होता। आवाज एहसास रंग, रंग बोले तो लाल, लाल पना नजर आता है पास। पानी में आवाज है एहसास से रंग है सयाली है। पानी में जो है आवाज, पानी बहता रहता तो आवाज आती, फिर जो है एहसास भी होता पानी अगर लगा एहसास होता। रंग, रंग बोले तो पानी में जो है जैसे रंग का है वैसा नीला नजर आता, जब भी उसमें रंग नजर आता। सयाली बोले तो दौड़ता हुआ उसका मन। जमीन में आवाज है एहसास है रंग है सयाली है बू है। ये पांच चीजें मिट्टी के अंदर नजर आती है। फुखराए हिंद जमीन को धरती इसी वजह से कहते हैं। धरती बोलते ना, धरती माता बोलते, धरती बोले धरती, धरती के माने क्या होते? धरती के माने पकड़ना, धरा बोले तो पकड़ना। शुक्लाम भरधरम, शुक्लाम भरधरम, शुक्ल बोले तो वाइट सफेद, भरधरम अ सफेद चादर के ओढ़ने वाले।
सफेद चादर ओढ़ना, पकड़ना, अपने पर लेना, इमाने मात्र। तो धरा के माने पकड़ना, धर्म भी इसी से है, धरा से धर्म। धर्म क्या है बोले तो स्थिरत रहने वाला, पकड़ के रखने वाला, किसी चीज को जो है अपने असलियत तक पकड़ के रखने वाला, उसको बोलते हैं धर्म। तो आग का धर्म, पानी का धर्म, मिट्टी का धर्म बोलते हैं। आग का धर्म क्या है बोले तो जलाना, यानी आग में कोई चीज डाले तो उसका काम ही है जलाना। आग में डाले नहीं जली बोले वैसा नहीं रहता। पानी का काम क्या है, बहना, भिगोना, ऐसा। हवा का काम उड़ना, उड़ाना, ये उसकी उसका धर्म बोलते हैं, उसकी गुण प्रधानी। तो अब और एक चीज क्या बोलते, आम का झाड़ है, आम के झाड़ को आमिच लगते नहीं, पहले जमाने में लगते थे, ये जमाने में जाम लगते बोल के कोई बोल सकते थे, कीकर के फलियां लगते बोलते बोलते नहीं बोलते। तो वो अपने फितरत से हटता नहीं, इस वजह से धर्म इसी को बोलते। धर्म भी क्या है बोले तो धर्म में अपने बेस से नहीं हटता, हक है धर्म में, हक है, हक से नहीं हटने वाला, किसी भी दौर में हक पे रहेगा, आज हक पे है कल ना हक पे है, धर्म में ऐसा नहीं होता। अधर्म में कुछ भी हो जाता, जहां धर्म नहीं है वहां कुछ भी हो जाता, लेकिन जहां धर्म है वहां पर पहले जो अल्लाह जो हक बात बोला था आज भी वही बात बोलता, उसकी जबान अलग होगी, तरीका अलग होगा, आज जो है ना समझाने की उसके तरीके अलग होंगे, लेकिन वही बात बोलता। जब पहले बुराई नहीं करना बोले आज भी वही बोलता, बुराई नहीं करना और अच्छाई करना तो आज भी अच्छाई करना, इस वजह से इसको धर्म बोलता। और जो है ये पकड़ के रखने वाला, हक को हमेशा एक स्थिरत पे रखने वाला, इसको बोलते धर्म। तो ये जो है धरती, इसी वजह से कहते हैं कि इसमें सबको पकड़ने की खासियत है। मिट्टी में क्या बताए, पांच चीजें बताए, आवाज, एहसास, रंग, सयाली, भूख, पांच चीजें हैं इसमें मिट्टी के अंदर, इस वजह से ये पांचों को पकड़ने वाली है बल्कि इसको धरती बोलते हैं। सब जो है ना आंसर को हजरत अली करम अल्लाह अजू जो है ना मिट्टी के बाप बोले में भी है कि हजरत अली करम अल्लाह अजू जो है मौलाना उस्मान साहब अस्सलाम बयान फरमाते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत करें, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पे बैत करें, फिर हजरत उस्मान गनी के हाथ पे बैत करें, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के हाथ पे बैत करें, चारों का फैज अपने अंदर लिया। तो इसलिए आप जो है खातिमुल खुलफा, खातिमुल खुलफा बोले तो आपका मकाम बड़ा नहीं, खातिमुल नबीन बोले छोटे, खातिमुल नबीन बड़े, खातिमुल खुलफा, खलीफ, खलीफ तमाम खुलफा की खूबियां अपने अंदर रखने वाले। इसलिए इल्म जो है हजरत अब अली करम अल्लाह जी के अंदर जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, अबू बकर सिद्दीक का इल्म, हजरत उमर का, हजरत उस्मान गनी का, तमाम उलूम को समेटे हुए हैं। इसलिए आप बाबिल इल्म के, तमाम इल्म का जो है ना गहरा समंदर है। तो इस लिहाज से जो है ये सबको बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ी बात है। इंसान को मिट्टी से बना बोले तो सब इंसान के अंदर मौजूद है, इस वजह से इसको मिट्टी से बना बोलते, मिट्टी से बना बोले तो ये मिट्टी लेके पुतला बना के रखते रहे बोले तो इसके खुसूसियत खूबियां इंसान के वजूद में आते। अच्छा, और एक चीज क्या है बोले तो मिट्टी, हम जो भी खा रहे, हमारा जो बॉडी है, जिसम है, सब मिट्टी का है। मिट्टी का कैसा है, ये तो चमड़ा है, इसके अंदर जो है ना गोश है, फिर इसके अंदर खून है। मिट्टी कैसा है बोले तो सॉफ्ट अंदाज में मिट्टी क्या होती बोले तो कई शक्लें तब्दील करती, हंडी बनती मिट्टी से, आईना बनता मिट्टी से, आईना मिट्टी का है, मिट्टी को साफ जो है ना उसको फिल्टर करने के बाद ना आईना बनता, हर चीज बनती। तो ऐसा ये जो झाड़ झड़ोले है ये भी मिट्टी है। मिट्टी कैसा है बोले तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जो गुण है वो झाड़ खींच लेके बड़ा, वो सूक्ष्म रूप में आने की वजह से हम खा रहे उसको, दूसरे मायने में मिट्टी खा रहे, मिट्टी डायरेक्ट नहीं खा रहे, इनडायरेक्ट फिल्टर होने के बाद खा रहे। इस वजह से हमारा जिस्म जो है मिट्टी से बना, मिट्टी बोले तो ये मिट्टी से डेवलप करा, हर जान जो है मिट्टी से परवान चल रही। बहरहाल ये जो है
धरती बोले तो यानी सारे चीजों को अपने अंदर पकड़ी हुई है, इसकी बहुत बड़ी खासियत है। मिट्टी बनने में यही इशारा है। हवास खमसाए जाहरी, हवास से खमसाए जाहरी, हवास बोले तो अब जो है सुनने की ताकत, बोलने की ताकत, देखने की ताकत जो है ना, इसको हवास बोलते हैं। हवास पाकता हो गया बोले तो उन्हें सुन रहा नहीं, देख रहा नहीं, देख होश, जिसको होश उड़ जाता है ना उसको हवास पाकता हो गया। हवास हवास बोले तो हमारे अंदर जो काम करने वाले आर्गन्स मतलब जो है ना ताकतें, उसको बोलते। तो हवास खमसाए जाहरी, इसको क्या बोलते, ज्ञान इंद्री। सामया लामेसा बासरा जायका शामा, ये पांच है। सामया बोले तो सुनना, समी बोलते हैं उसी से, समी समात बोलते बोलते। लामेसा बोले तो मस करना, छीना, ऐसे छीना। अब ये ऊपर जो पांच आंसर बताए ना, ये पांच आंसर आंसर की जो है इंसान के अंदर जो चीजें जाहिर होने वाली है वो बता रहे। तो सामिया लामेसा बासरा, बासरा बोले तो बसीरत, देखना, चश्मे बसीरत बोलते ना, बसीर बोले तो देखने वाला। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देखता है बोल के। जायका, जायका बोले तो टेस्ट, चखना कोई चीज, इसकी चखने में। शामा बोले तो सूंघना, सूंघने की जो ताकत है वो शामा बोलते। इसी का संस्कृत में क्या है, श्रवण इंद्री, श्रवण इंद्र बोलते श्रावण बोल के कीर्तन लगाते हैं, मतलब श्रावण, श्रावण के बोले तो जो कीर्तन भजन वगैरह कोई पुराण सुनाते हो तो उसको श्रावण बोलते हैं। एक महीना भी होता है श्रावण का महीना, चल रहा है श्रावण का महीना चल रहा। तो श्रावण बोले तो अल्लाह की बातें सुनने का महीना, अल्लाह के या धर्म के सत्संग सुनने के महीने को या सुनने को जो है ना श्रावण बोलते है। श्रावण मास बोलते, श्रावण मास बोले तो उसमें उसमें जो ना खासकर हिंदू है ना गोश्त नहीं खाते, अदरक लहसुन नहीं खाते, बहुत जो ना पाक मुकदस में ना बोलते ऐसा समझ के एहतमाम करते हैं। धर्म की बातें सुनने का मैंने, जैसा रमजान है हमारे पास वैसा है। तो श्रावण मास बोले तो श्रावण बोले तो सुनने का, अल्लाह की बातें सुनने का। श्रावण इंद्री, श्रावण इंद्री बोले, इंद्री बोले तो कान, श्रावण इंद्री सुनने की। तोक इंद्री, तोक इंद्री बोले तो छीना। नेत्र इंद्री, नेत्र इंद्री बोले तो देखना। रस इंद्री, रस इंद्री बोले तो टेस्ट, चखना, रस इंद्री। ग्रहण इंद्री, ग्रहण इंद्री बोले तो सुनना। तो ये जो हवा से, ये हवा से खमसा है जाहिरी है, सामया लामेसा बासरा जायका शाम। श्रावण इंद्री, त्वक इंद्री, नेत्र इंद्री, रस इंद्री, ग्रहण इंद्री, ये पांच जो है ना पांच है। अब उसके हवा से खमसाए बात नहीं, इसको बोलते करण इंद्री। करण इंद्री बोले तो यानी जो है नई नजर आने वाली अंदर हवा से खमसाए बातिन, जिसको बातिन तौर पे है। इरादा अकल फिकर अनानियत इल्तिफात, ये पांच है। और इसमें जो है ना मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण। मन बोले तो इरादा, बुद्धि अकल, चित्त बोले तो फिकर, अहंकार अनानियत, और अंतःकरण उल्फत मोहब्बत, अंतःकरण बोलते हैं इल्तिफात बोलते हैं। ये पांच जो है ना जाहिरी से पांच बातें नहीं पता, और ये पांच जो है ना ये ऊपर के पांच अनासिर से पैदा हो। अनासिर क्या है, हवा, आग, मिट्टी, आसमान और पानी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पांच से जो है ना ये कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया उसके बाद में कर्म इंद्रिया, कर्ण इंद्रिया ये पैदा हो। तो ये जो है जाहिरा जो हमारे लामेसा बासरा जायका जो बोलते हैं ना चखने की ताकत, ये इससे जो है ना पांच चीजें गैब की पैदा होती। अब जैसा दिल, मिसाल के तौर पर हमारा दिल, दिल बोले तो एक जो है ना फिजिकल दिल है हमारे अंदर, लेकिन फिजिकल दिल के अंदर एक जो है ना वसत खलबी, या किसी की मोहब्बत, या किसी को बिठाना महसूस करना, वो क्या है दिल में बिठाया बोलते। आपकी मोहब्बत दिल में है, या आपको मैं दिल में बिठा रहा हूं,
दिल में तो एक स्विंग नहीं बैठती, इन इंसानों को कैसा बिठा रहा, खुदा को कैसा बिठा रहा, अल्लाह का मकाम क्या है, दिल है, दिल में है। पर तरे हुसनत न गुंजत दर जमीन व आसमां, दर हरी में सीना हैरानो के चूजा करते। इंसान के दिल में बैठ गया अल्लाह, जमीन आसमान में नहीं बैठ सकता था, मगर इंसान के मोमिन के मुत्तकी के कल्ब में बैठ गया। वो कैसा बैठ रहा बोले तो ये महसूस करने से ताल्लुक है। ये जैसा एक ना ब्रह्म ब्रह्म जी के पास है ना कक्कया भी सिद्ध यादव भक्त थे, सिद्ध यादव जरा ज्ञानी था और कक्कया जो ना जरा बगड़ था, बगड़ तो ब्रह्म जी बयान कर रहे भगवान कहाँ रहता, बोले तो हृदय में रहता, मन में रहता। तो उन्हें परेशान रे होजे ने बोलते भगवान कहाँ है किधर है, आज मालूम होगा नहीं आया था तो दिल में रहता था। बहुत अच्छा हुआ मैं देखता बोल के उन्हें जाके क्या करा, जोर को मारा कतल करके, दिल काट के देखा अंदर चीर के, नहीं दिखा भगवान, नहीं दिखा उसको। अब जाके मुर्शे से लड़ना शुरू करा गुरु से, हे झूठे मुर्शे तू क्या दिल में अल्लाह भगवान रहता बना, मैं दिल काट के देखा अंदर है नहीं बोल। तो अब उन्हें जो है ना जाहिरी समझ रहा, हालांकि बोलने का मतलब क्या था, बातिनी था, महसूस करने से ताल्लुक था। ऐसा ही जो है अल्लाह को पाना या अल्लाह की जो है अल्लाह अल्लाह के जलवों को देखना बोले तो ये गैबी सूरत में या जो है महसूस करते उसके बाद में जाहिर भी होता हो, लेकिन उसको है ना कल्ब में बिठा रहे बोले तो ये कल्ब बोले तो फिजिकल कल्ब नहीं बल्कि दिल से एक कैफियत पैदा होती, कानों से एक कैफियत पैदा होती जिससे आप सुनते, आंखों से एक कैफियत पैदा होती जिससे आप देखते, जुबान से कैफियत पैदा होती जिससे आप बोलते। तो जाहिरी से बातें नहीं पैदा होते, अब ये नहीं रहा तो वो नहीं पैदा होना, ये क्यों रखा अल्लाह बोले तो इससे जो है इसके सोर्स से एक जो है ना एनर्जी पैदा होती या एक कैफियत पैदा होती, वो कैफियत से इंसान महसूस करता है। तो सॉफ्ट चीज पैदा होती हार्ट से, हार्ट इसने है सॉफ्ट होना बोले तो नहीं होता नहीं। तो इसलिए अल्लाह जो है उन्हें जाहिर होने के लिए एक हार्ट बॉडी बनाया, उन्हें तो सॉफ्ट है नहीं नजर आने वाला है, सूक्ष्म है भगवान, वो सूक्ष्म को जाहिर करने के लिए क्या करा, उन्हें स्थूल देह बनाया। हमारा जो जिस्म है वो क्या है, स्थूल है, स्थूल नहीं रहना खाली बोझ रहना बोले तो वो नजर ही नहीं, जैसे ऐसा ही है आपको है ना लाइट नहीं रहना रोशनी रहना बोल रहे आप नहीं, ये दिल नहीं रहना और अंदर जो है ना जज्बा रहना। तो ऐसा लोग हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मुर्शिद कामिल को छोड़ के खुदा को पाना चाहते हैं वो कभी नहीं पाते। मुस्तफा फरमाए कहता है खुदा मैं जमीन और आसमान में नहीं समा, दिल में मोमिन के समाता हूँ, अजब इन दिलों से ढूंढ ले गर है तलब। अगर तुमको तलब है तो वजूदों से मिलता, क्योंकि उन्हें अपना एड्रेस पता है। एड्रेस क्या बताया बोले तो आदम, कुंत कंजन मख्फियन फअहबबता अनउरिफा फखलक्तु आदम, के मुझे मोहब्बत में एक छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ है, और मुझे मोहब्बत हुई कि मैं जाहिर हो जाऊं दिखूं। तो दिखने के लिए उन्हें क्या करा, कायनात बनाया, आदम बनाया। उसकी मोहब्बत ही ऐसी है कि आदम को बनाना पड़ा। अब जोर मरद दोनों की मोहब्बत पे क्या था, बच्चा पैदा होगा, उसकी मोहब्बत का नतीजा ही ऐसा है, वो दो मोहब्बत कर रहते तीसरी चीज पैदा हो जाती। मैं तो अल्लाह अपने को जाहिर करना है तो आदम को, आदम के लिए पूरी कायनात को पैदा करना पड़ा। तो इस तरह जो है वजूद से खुदा का इजहार है, और वजूद में एक एक चीज जो हमारे अंदर रखा अल्लाह ताला, वो एक एक चीज से जो ना एक एक हकीकत दुनिया में जाहिर होती। तो इस वास्ते यहाँ पर जो है पांच हवासे खमसाए जाहिरी से, पांच हवासे खमसाए बातिनी, यानी पांच जो है ना ज्ञान इंद्री से पांच कर्ण इंद्री, ये जो है ना निकल रहा है इसके अंदर। तो ये इरादा, इरादा जो है इंसान, इसकी तफसीर भी है आगे, मैं यहाँ पर तफसीर बयान फिर आगे फिर डबल हो जाता। तो इरादा अकल फिक्र अनानियत इल्तिफात, ये पांच चीजें जो है इंसान के वजूद में है। ये पांच चीजों से इंसान जो है काम अगर लिया सही तौर पर, अगर जो है ना सही तौर पर इरादा करा, सही अकल इस्तेमाल करा, सही उल्फत अगर रखा, और जो है ना फिक्र सही जो है खुदा फिक्र करा, तो उन्हें खुदा को पा सकता।
जिसमें इंसान में पांच हवास जाहरी के ताल्लुकात। अब इसके ताल्लुकात कैसे हैं, कौन से जो है ना इरादे का ताल्लुक किससे है, अकल का ताल्लुक किसके है किससे है, और अनानियत का ताल्लुक किससे है, फिक्र का किससे है, उल्फत का किससे है। जमीन का ताल्लुक नाक और मकद से है, नाक से और मकद, मतलब मकद बोले तो गुदस्थान को बोलते हैं। ये जो है मिट्टी का ताल्लुक है इससे। पानी का ताल्लुक जबान से और शर्मगा से है, लिंग स्थान से। और आग का ताल्लुक आंख और नाक से है, तो गर्मी जो जाहिर होती है ना आग की जो है ना आंख से और नाक से। नाक जो है ना खाना जो हजम होता, नाक में गर्मी रहने की वजह से हजम होता, तो आग का जो है ताल्लुक नाक से। और आंख, आंख जो है ना आदमी को गुस्सा आ गया या नींद नहीं करा, उन्हें नहीं सोया तो आंख लाल हो जाती, तो गर्मी जो है ना आंखों से जाहिर होती, नाक से और आंख से जाहिर होती, आंख और नाक से। हवा का ताल्लुक चमड़े से और सीने से, चमड़ा ने एहसास करता। खला का ताल्लुक कान से है, जिससे आवाज सुनने की ताकत जो है ना, ये जो आसमान में जो आवाज है वो आसमान की आवाज कान सुनते, दूसरे जो है ना इससे सुनने की ताकत नहीं है, सिर्फ कान में ताकत है, तो उससे जो है उसका ताल्लुक है। जो मतलब जो जो है ना स्थूल है उसका सूक्ष्म ये बताया जाना। सात मकाम, उसके बाद में सात मकाम, सप्त स्थान, सप्त स्थान, सप्त स्थान बोले तो सात मकाम, सप्त स्थान, मकाम मकद, मकाम शर्मगा, मकाम नाक, मकाम सीना, मकाम हलक, मकाम दरमियान अबरू, मकाम तल, ये सात है। इसको क्या बोलते हैं, गुद स्थानम, लिंग स्थानम, नाव स्थानम, हृदय स्थानम, कंठ स्थानम, ब्रह्मध्य स्थानम, ताल स्थानम, सात। इसको सप्त चक्र बोलते, सात चक्र, सात मकाम, सप्त चक्र। फुकरा हिंद, फुकरा हिंद ने हर मकाम का एक एक पुजारी बताया है, वो हजब जेल है। मिकत की जगह गणपति, अच्छा ये पुजारी बोले तो क्या, पुजारी बोले तो एक तो वजूदों में बताए, दूसरा पुजारी बोले तो आप उसको काबू में रखना, ये मतलब है। पूजा करना बोले तो नाला वो ये ले आके जपा माला कर लेते, बैठने कुछ नहीं होता। पूजा बोले तो उसको काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, सही इस्तेमाल करना, इसको जो है ना पूजा बोलते। फुकरा है हर मकाम में पूजा हजब जैल। मकत की जगह गणपति है, लिंग की जगह ब्रह्म, नाफ की जगह विष्णु, सीने की जगह शिवा, हलक की जगह सदाशिव, दरमियान अबरू की जगह गुरु, और तालु की जगह परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परशिवा, परमेश्वर। तो ये जो है तालुका, इसलिए जब जो है अनुष्ठान में बैठते, अनुष्ठान बोले तो रियाजत में जब बैठते अल्लाह की रियाजत करने के लिए अपने, तो जो है इंसान को अपने मकामात पूरा कॉन्स्ट्रेशन यानी अपनी जो तवज्जो है वो ये ब्रह्मध्य स्थान बोलते, ब्रह्मध्य स्थान बोले तो ये पेशान की जगह, पेशान की जगह पूरे ख्यालात को लाके टिकाना। इस वजह से हिंदू लोग जो है पेशानी पे टीका लगाते हैं। टीका क्यों लगाते बोले तो यानी हमारा जो कॉन्स्ट्रेशन मतलब हमारी जो तवज्जो है वो तवज्जो जो है ना एक जगह टिकाना, इस वास्ते वो एक निशान के तौर पे लगाते, लगाना कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है, मतलब आपको तवज्जो दिलाने के लिए पॉइंट है, कौन सी भी पॉइंट या आपके लिए तवज्जो होना उठ, क्योंकि आदमी की जब तक के तवज्जो एक जा नहीं होती दिमाग सही तौर पे काम नहीं करता। कोई भी अगर बड़ी बात आपको करना है या बड़ा फैसला लेना है तो खामोशी से थोड़ी देर गौर करते, तो खामोशी से थोड़ी देर गौर करने से अच्छी बात आपके दिमाग में आती है। ऐसे आप इसका परसेंटेज जैसा बढ़ाते जाएंगे तो बड़े बड़े बातें आप ज्ञानी बोलने वाले बनते। तो इस वास्ते जो है इसका सेंटर पॉइंट क्या है बोले तो ब्रह्मध्य स्थान, ब्रह्मध्य तो ये दोनों अबरू के बीच में, यहाँ पर बिंदु बोलते हैं, बिंदु स्थान, बिंदु बोलते हैं, तो यहाँ पर अपनी तवज्जो लेके आके रखो। इसीलिए औलिया बुजुर्गान दीन गारों में, पहाड़ों में, जंगलों में जाके जो रियाजत करते थे, उसकी वजह यही है कि खुदा से लौ लगाने के लिए, खुदा से गहरा ताल्लुक पैदा करने के लिए इंसान को अल्लाह की तरफ एक सुई होना जरूरी है। और हम जब नमाज में ठहरते हैं तो नमाज में पहली नियत क्या करते हैं, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन, ऐ फातिरे समावाति वल अर्ज़ ज़मीन आसमान के बनाने वाले, मैं अपनी पूरी तवज्जो तेरे तरफ कर रहा हूँ,
तो अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मैं मुशरिकों में से हूँ, हम इकरार करें वमाना मिन मुशरिकीन, अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो मैं मुशरिक हूँ, इकरार कर रहे। तो अब जो इकरार है आपका उसके मुताबिक अगर खुदा की तरफ आपकी तवज्जो है तो आपकी मेराज होती, आप आगे जो है बढ़ सकते हैं। नए कारी जो है माथा टेके जमीन पर, मन उड़े आसमान, घोड़े खंदार खरीद करें, दौलत खां पठान, माथा तो टिका हुआ है सजदे में और मन दौड़ रहा घोड़े खरीदने के लिए, तो आपका नमाज पढ़ना कोई फायदा फायदा नहीं। तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसुरू, ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर। तो मैं जिस सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, दिल जो है सनमों के बुतों के पीछे भागा हुआ है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तो कुछ भी जो है ना मिलने वाला नहीं नमाज में। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ये मकामात को हमारे अंदर जो जो हवाएं हैं, रूह ममदुदा, रूह परवर, तनफुस, रीह, ये ऐसे जो है ना हवाओं के जो है ना मकामात हैं, दर्जात हैं। तो इसको जो है वायु भी बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, वायु, प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु, उदान वायु। तो ये जो है ये वायु, उदान, प्राण, समान, व्यान और अपान, ये जो है ये हवाओं के नाम है। तो ये जो है पूरे जिस्म में हमारे काम करने वाले हैं। तो इसको जो है एक एक मुकाम पर एक एक हवा रखती और उसको जो है खुदा की तरफ मुतवज्जो करे और जो है उसका तस्किया करते। जैसे इंसान रियाजत में बैठा तो महसूस होता वो चीजें, महसूस होते हुए जो है वो हवा जो है गुद स्थानम से लिंग स्थानम, लिंग स्थानम से नाभि स्थानम, नाभि स्थानम से हृदय स्थानम, हृदय स्थानम से कंठ स्थानम, कंठ स्थानम से ब्रह्मध्य स्थानम, ब्रह्मध्य स्थान के बाद में ताल स्थानम। ये रियाजत में जो है ना अल्लाह के जो है जिसको तपस्या करते हैं, खुदा को याद करने के बारे में करते हैं। तो अब जैसा आप जो है ना इसको वृद्धि, मतलब जैसा आप इसको जो है ना बुलंद कर जाएंगे वैसे वैसे कैफियत पैदा होते, ख्वाब, बशारत, रोया सालेहा, अल्लाह से ताल्लुकात इसी से पैदा। ये देखने के लिए ये जो अल्लाह जो मकामात बनाया ये मकामात जो है ना बेकार नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े राज है, बहुत बड़े ब्रह्म की कायनात में जो है इनकलाब इसी से आता है, यानी ब्रह्म ज्ञानी इसी से बढ़ता है इंसान। और इसी को जो है लिंगायत क्या बोलते हैं, नवलिंग बोलते, नवलिंग, नवलिंग बोले तो इष्टलिंग, प्राणलिंग, भावलिंग। इष्टलिंग में आचार लिंग, गुरु लिंग है इष्टलिंग, ये तीन लिंगों में और छह लिंग जो है ना उसमें शामिल करके बताते हैं। इष्टलिंग, इष्टलिंग में आचार लिंग, गुरु लिंग, और प्राणलिंग में शिवलिंग और जंगम लिंग है, और भावलिंग में प्रसाद लिंग और महालिंग, इसको नवलिंग बोलते हैं। ये नवलिंग क्या है बोले तो इंसान के नौ दरवाजे हैं, नौ सुराखा इंसान के जिस्म में, ये दो, दो चार, दो छः, सात, और दो जो है ना नीचे के आठ, नौ, नौ, इसको नव द्वार बोलते हैं, नौ दरवाजे। ये नौ दरवाजे बंद करे तो दसवां दरवाजा दिल का खुलता। तो नौ दरवाजे बंद करना बोले तो कंट्रोल करना। अब ये बांसुरी जो कृष्ण जी बजाते ना बांसुरी, वो बांसुरी क्या है बोले तो वो बांसुरी के छह सुराखा रहते, छह सुराखा, वो इंसान के भी छह सुराखा है, मतलब छह कैसा, नौ जो है ना नौ छह में बता, इसको बोलते क्षण मुख, क्षण बोले तो छे, क्षण मुख, क्षण मुख बोले तो छह मुख। अब यहां तो नौ बता रहे, छह कैसा है बोले तो ये नाक को एक लेते, नाक जो है ना दो सुराखा दो है ना, मगर काम तो एक ही कर रहा, आंख ये दो है मगर काम तो एक ही कर रहा, और कान दो है ये काम तो एक ही कर रहा। तो ये दो कान को एक गिनते, दो आंख को एक गिनते, और दो नाक के सोलों को भी एक गिनते, तो तीन कम हो गए ना, नौ में तीन कम है तो कितने, छह हो गए। इसको बोलते हैं षणमुख, छह मुख बोलते, नवलिंग भी बोलते हैं, षणमुख भी बोलते, षणमुख बोले तो छह, नौ बोले तो इस तरह है, छह बोले तो इस तरह है। तो अब ये जो है दरवाजे बनकर, तो छह जो है कृष्ण जी की जो पास भी है उसके छह सुराख, वो छह सुराख क्या बोले बोले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये छह है। ये छह सुराख जो है इंसान अगर कंट्रोल करा तो क्या होता, मधुर वाणी,
मधुर वाणी बोले तो अल्लाह का कलाम जारी हो जाता। इसको कंट्रोल नहीं करने की वजह से, बैलेंस नहीं करने की वजह से क्या हो रहा बोले तो दिल में जैसा इंसान मनमानी बातें बोल रहा है, उसके बात में कोई वजन नहीं।